केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देश का नामचीन स्टील ब्रांड मोंगिया स्टील के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला उजागर हुआ है। कंपनी की ओर से गिरिडीह साइबर थाने में इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। कंपनी के निदेशक प्रवीण कुमार ने साइबर थाना में कुछ लोगों के खिलाफ मोंगिया टीएमटी बार बेचकर धोखाधड़ी करने, मोंगिया स्टील के असली होने का दावा करने वाली जाली दस्तावेज पेश करना, मोंगिया स्टील के होने वाले डीलर के साथ व्हाट्सएप चैटिंग पर गलत जानकारी देने की शिकायत की है। बताया गया कि मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड एक ट्रेडमार्क कंपनी है जो अपने ब्रांड नाम से माल बनाती और बेचती है, लेकिन कुछ लोग गुजरात, मुंबई, लखनऊ और अन्य राज्यों से कुछ डीलरों के उनके मोबाइल पर गलत सूचना देकर मोंगिया के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन्हीं डीलरों के माध्यम से पता चला कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति टीएमटी बार को धोखे से बेच रहे हैं और मोंगिया टीएमटी के नाम पर होने का नाटक कर रहे हैं। बताया गया कि जालसाजों के पास इनका फर्जी लेटर हैंड, इनवॉइस कॉपी, टेस्टिंग रिपोर्ट आदि मौजूद है, जिससे कंपनी की छवि धूमिल हो रही है। इस बाबत मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने टुंडी रोड स्थित फैक्ट्री कार्यालय में कहा कि जालसाजों के खिलाफ सदर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी मोंगिया ग्रुप के नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वह सावधान हो जाए, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस युग में साइबर क्राइम अपने जोरों पर है और मोंगिया स्टील के साथ भी एक दुर्घटना हो गई है कि कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना करके और मार्केटिंग डिवीजन, चैट करना ऑफिशियल चैट और उसके साथ में सेल्स डिवीजन और इस प्रकार के सारे डिवीजन बना करके और ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव बन करके सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये लोग मोंगिया स्टील का छड़ बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह पर हमारे मार्केट में जहां जहां हमारी जानकारी है, इन्होंने लखनऊ, गुजरात या अन्य जगहों पर, दिल्ली वगैरह में भी संपर्क किया और बताया कि मोंगिया स्टील इस समय में बहुत आर्थिक परिस्थितियों में खराब हो गई है और अभी उन्हें कम रेट में छड़ बेचनी है और वो कम रेट में छड़ बता करके और मोंगिया स्टील ब्रांड की छड़ जो कि बता रहे हैं कि रोज इनका मटेरियल कुछ भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2500 टन रोज दिल्ली जा रहा है, इस प्रकार हम लोग कम रेट में बेच रहे हैं और ये ज्यादा मटेरियल बचा नहीं है, इसलिए तत्काल आप इसका ऑर्डर बुक कराएं और सभी से कह रहे हैं सिर्फ 10% एडवांस जमा करा दीजिए। और जिस तरह से समझ लीजिए कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का माल बिक्री दिखा करके और उसके बाद उससे 10% सिर्फ जमा करा के उनको गाड़ी नंबर, ट्रक नंबर से लेकर के लोडिंग की सारी स्लिप्स वगैरह, काटा स्लिप या इस तरह के जितने तरह के फोर्ज पेपर हैं सभी बना करके मेल कर देना, फॉल्स बिल बना करके उनको कवर कर देना, दिखा देना, इस तरह के सारे फोर्ज पेपर बना करके, हमारी सारी तरह की आईडी, हमारी फोटोज वगैरह बना करके, बहुत सारे इस तरह से डुप्लीकेसी करके, ये एक साइबर क्राइम बहुत रफ्तार पे चल रहा है और इस क्राइम में बहुत लोग झांसे में हो सकता आ भी जाएं। लेकिन मुझे जहां तक भी जानकारी मिली, मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि ऐसा लोग इससे बचें, तो मैंने सभी ओर से रोकने की कोशिश की है और इसमें फिर भी हमें कुछ जानकारियां जैसी जैसे मिली हमने पूरा प्रयास किया कि इसमें कोई नहीं फंसे। लेकिन इस प्रकार का एक ग्रुप है जिसमें के निजबुर रहमान बोल करके एक अकाउंट खोले हैं जिसमें ब्रैकेट में लिख दिया मोंगिया स्टील और उस अकाउंट में अकाउंट नंबर तक वो अपना दिए कि इस अकाउंट में पैसा जमा कराइए, इस प्रकार के बहुत सारे डुप्लीकेसी करके या गलत तरह से। तो ये एक साइबर क्राइम और 420 का जो केस है हमने गिरिडीह साइबर थाना में दिया है और ये केस वहां पर दर्ज हो गया है और इसकी जांच चल रही है। मैं अपनी ओर से भी सबको आगाह करना चाहता हूं कि कोई इसमें ना फंसे और समझ करके मोंगिया स्टील से जो लेना चाहते हैं वो सही प्रोडक्ट लें। और वैसे भी वो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, वो सिर्फ पैसे ही लेना जानते हैं, 10% भी पैसा ले लेंगे और उसके बाद कोई उनका ट्रेस मिलना नहीं है और मटेरियल तो वो दे ही नहीं पाएंगे जितना कम दाम वो बता रहे हैं। जो दाम आज बिलेट का नहीं है उससे दाम में से कम में वो जो छड़ बेचने की बात कर रहे हैं, ये सब प्योर फॉल्स काम है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई ना फंसे और ये जो साइबर क्राइम हुआ है ये और दूसरी फैक्ट्रियों के साथ नहीं हो, इसके लोग से लोग सजग रहें। इसके लिए मैंने ये सारी जानकारी पुलिस साइबर थाना में भी दी है और सभी थाना में दे रहा हूं। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।